कल यानी कि 22 अप्रैल को सलमान खान ने भारत के ट्रेलर को रिलीज कर अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। भारत के ट्रेलर में जहां सलमान खान की अलग अलग कई अवतार देखने को मिले, तो कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ की भी दमदार झलक देखने को मिली। लेकिन इस ट्रेलर में जो नहीं दिखी वो थी तब्बू। दरअसल भारत में सलमान, कैटरीना, दिशा, सुनील, जैकी के अलावा एक्ट्रेस तब्बू भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाली हैं। और इस बात को खुद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कंफर्म किया था। और अब जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है तो सभी इस बात से हैरान रह गए कि आखिर तब्बू को ट्रेलर में जगह क्यों नहीं दी गई। तो आपको बता दें कि भारत के ट्रेलर से तब्बू के गायब होने की वजह सामने आ गई है। जी हाँ, खबरों की माने तो ये मेकर्स की खास स्ट्रेटेजी है। दरअसल फिल्म में तब्बू की एंट्री के बाद से ही कहानी में नया मोड़ आता है और तब्बू का रोल फिल्म के क्लाइमैक्स से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनकी झलक दिखने से कहानी रिवील ना हो जाए इसका खतरा बना हुआ था। और इसी बात को देखते हुए मेकर्स ने स्मार्ट डिसीजन लिया और इसलिए फिलहाल तब्बू के किरदार की झलक नहीं दिखाई गई। और अब तब्बू का रोल एक तरह से फैंस के लिए एक पहेली सा बन गया है कि आखिर तब्बू का रोल कैसा होगा और कैसे वो फिल्म की कहानी को पलटेंगी। वैसे आपको बता दें कि भारत के ट्रेलर को ऑडियंस से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई स्टार्स ने भी भारत के ट्रेलर की काफी तारीफ की है। ट्रेलर में सलमान के कई लुक देखने को तो मिले ही, इसके साथ ही भारत पाक पार्टीशन को भी दिखाया गया है। और दिखाया गया है कि जैसे जैसे देश आजादी के बाद आगे बढ़ा, उसी के साथ सलमान यानी कि भारत की लाइफ भी किस किस पड़ाव के साथ आगे बढ़ती है। वैसे फिल्म के मेकर्स ने जिस तरह तब्बू के रोल पर सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, उससे लोगों की एक्साइटमेंट तो बढ़ना लाजमी ही है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।